टेक इन्फॉर्मर के एक और नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में आप लोग कुछ शानदार और गजब की मशीन्स देखने वाले हैं, जो कि आज से पहले आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अभी जो मशीन्स आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ काटने के लिए ये गजब की मशीन बनाई गई है। इस मशीन में 60 इंच लार्ज सर्कुलर कटर लगाया गया है और 7 इंच का सेपरेटिंग सिलेंडर लगाया गया है। सबसे पहले इसका कटर बड़े पेड़ को छोटे टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद इस मशीन में लगा स्पेशल मैकेनिज्म उन छोटे टुकड़ों को और 4 टुकड़ों में काटकर बेल्ट पर डाल देता है। इस मशीन की खास बात, इसमें लगा पावरफुल इंजन है और इस मशीन को जॉयस्टिक से भी चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि इस मशीन में एयर कंडीशनड कैबिन भी बनाया गया है। अभी जो एलिमेंट्री क्रशर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मशीन में हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन लगाया गया है और ये मशीन इसके मैन्युफैक्चरर की आज तक की सबसे पावरफुल मशीन है। इस मशीन की सबसे खास बात, इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है, जो कि इसके ऑपरेटिंग टाइम को कम करने के साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम करता है। इस मशीन की खास बात, किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल जैसे कि मेटल वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट तक भी आप लोग इससे क्रश कर सकते हैं। अभी जो वेट लिफ्टिंग मशीन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप लोग किसी भी तरह के कंटेनर्स पर वेट लोड कर सकते हैं। इस मशीन का वेट 75 टन्स है और ये मशीन एक बार में 35 टन्स वेट उठा सकती है। इस मशीन के ओवरऑल डायमेंशंस 30x14x13 फीट है। इस मशीन में डीजल इंजन के साथ हाइड्रोलिक लिफ्टिंग हुक भी लगाया गया है, जो कि 21 फीट तक वेट लिफ्ट कर सकता है। इस मशीन का यूज़ जंगल्स में पेड़ उठाने के साथ साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी किया जा सकता है। ब्रॉडवे कंपनी द्वारा बनाया गया ये ट्रेलर स्वीपर बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका यूज शहरों में और हाईवे रोड्स क्लीन करने के लिए किया जाता है। इसकी खास बात, इसके नीचे लगे 1300 मिलीमीटर डायमीटर के दो ब्रश वैक्यूम टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिकली रोड से कचरा उठाकर इसके पीछे लगे ट्रेलर्स में डाल देता है। इस मशीन की खास बात, ये किसी भी तरह के डंपर और ट्रैक्टर्स के लिए कंपेटिबल है। ये मशीन रोड से 1.2 टन ट्रैश एक मिनट में उठा लेती है। इसमें लगे ब्रशेज की स्पीड भी कम या ज्यादा की जा सकती है। इस एपिसोड की अगली और आखिरी मशीन ग्राउंड चेनसो बेहद कमाल का इन्वेंशन है। इसकी चेन में लगे नुकीले कटर से आप लोग किसी भी तरह की जमीन में काम कर सकते हैं। इस मशीन की एक और खास बात, ये मशीन किसी भी तरह के ट्रैक्टर्स के लिए कंपेटिबल है। जमीन में पाइप डालने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए इस मशीन का यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही फार्मर्स भी इस मशीन का यूज कर सकते हैं। ये चेनसो इतनी मजबूत है कि इससे काम करते वक्त कुछ ज्यादा परेशानी भी नहीं आने वाली। इसे कहीं पर भी लाना और ले जाना बेहद आसान है। तो मेरे दोस्त, टेक इन्फॉर्मर के इस एपिसोड में दिखाई गई कुछ शानदार और गजब की मशीन्स आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड बाय।